સોલાર પાર્કની સ્થાપનાને મંજૂરી મળી ગઈ છે. મુખ્યપ્રધાન રૂપાણીએ સૈદ્ધાંતિક રીતે મંજૂરી આપી છે. ધોલેરાસરમાં વિશ્વનો સૌથી વિશાળ સોલાર પાર્ક બનશે. 5000 મેગાવોટનો સોલાર પાર્ક સ્થપાશે. સોલાર પાર્કમાં 25000 કરોડના રોકાણની સંભાવના છે. ખંભાતના અખાતમાં 11000 હેક્ટરમાં આ સોલાર પાર્ક બનશે અને મુખ્યપ્રધાન વિજય રૂપાણીએ તેને લઈને સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી આપી છે. વિશ્વનો સૌથી વિશાળ આ સોલાર પાર્ક બનશે. ધોલેરાસરમાં સોલાર પાર્કની સ્થાપનાને મંજૂરી અપાઈ છે. મુખ્યપ્રધાન રૂપાણીએ આ બાબતને લઈને સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી આપી છે. ધોલેરાસરમાં વિશ્વનો સૌથી વિશાળ સોલાર પાર્ક બનશે. આ વિશે વધુ વાતચીત કરવા હેતલ પાર્ક અમારી સાથે ફોનલાઈન પર જોડાયા છે. હેતલ, વિશ્વનો સૌથી વિશાળ સોલાર પાર્ક બનવા જઈ રહ્યો છે ધોલેરાસરમાં. સૈદ્ધાંતિક મંજૂરી મુખ્યપ્રધાન દ્વારા આપવામાં આવી છે. આ પાર્ક બન્યા બાદ આખરે કયા કયા વિસ્તારોને ફાયદો થશે? ગુજરાત વિકાસ गुजरात के धोलेरा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए सभी मंजूरियां मिल गई हैं. अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2022 में यहां से पहली उड़ान भरी जाएगी. गुजरात के लिए धोलेरा का अंतर्राष्ट्रीय हवाई काफी महत्वपूर्ण है. देखिए खास रिपोर्ट. अहमदाबाद के लिए दूसरे एयरपोर्ट का रास्ता साफ हो गया है. अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर धोलेरा में नया एयरपोर्ट बनाने के लिए सभी मंजूरियां मिल गई हैं. धोलेरा एयरपोर्ट के लिए पिछले कई सालों से कोशिशें चल रही थीं. नरेंद्र मोदी जब राज्य के मुख्यमंत्री थे तभी कोशिशें शुरू हुई थी. उम्मीद की जा रही है कि 2022 तक यहां से पहली उड़ान शुरू हो जाएगी. अहमदाबाद एयरपोर्ट का जो है उसकी अपनी सैचुरेशन पे पहुंच चुका है, इसलिए अहमदाबाद को एक नए एयरपोर्ट की जरूरत भी है. तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसमें पार्टनर होने वाला है. इसमें उनकी 51% इक्विटी होगी और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की इक्विटी 49% होगी. इसकी डेवलपमेंट क्षेत्रफल 903 स्क्वायर किलोमीटर है. इनमें से 540 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को पूरी तरह से डेवलप किया जाएगा. धोलेरा को स्मार्ट सिटी बनाने का काम 6 चरणों में होगा. पहले चरण में 150 किलोमीटर के इलाके को विकसित किया जाएगा. इस पर इसी साल काम भी शुरू हो जाएगा. बताया जा रहा है कि 2019 तक धोलेरा देश की पहली स्मार्ट सिटी बन जाएगी. स्मार्ट शहरों में इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया जाएगा जहां रोजगार और कारोबार के लिए भरपूर अवसर होंगे. इतना ही नहीं, इन शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बेहतरीन इंतजाम होंगे. स्मार्ट सिटी में रहने वाले लोग मेट्रो में सफर का लुत्फ उठा सकेंगे. इन शहरों में कई लेन वाली सड़कें और इंटरनेशनल लेवल के एक्सप्रेस वे होंगे जो लोगों के सफर को तेज, आसान और सुविधाजनक बनाएंगे. इन गगनचुंबी इमारतों को भी देख लीजिए. देश में जो 100 स्मार्ट शहर बनने हैं उसमें इसी तरह की इमारतें होंगी. हर इलाके में इस तरह के हरे भरे और खूबसूरत पार्क होंगे. लोगों को 24 घंटे बिजली मिलेगी. रिहायशी इलाकों को सुंदर और आकर्षक तरीके से बसाया जाएगा. हर घर वाईफाई इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ा होगा. शहर में गंदगी का नामो निशान नहीं मिलेगा. यानी मोदी के सपनों का शहर होगा क्लीन और ग्रीन. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्यटन को बढ़ावा देने पर विशेष जोर देते हैं, लिहाजा इन शहरों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा. मोदी सरकार गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और राजस्थान समेत देश के करीब करीब सभी राज्यों में दो दो स्मार्ट सिटी बसाने की योजना पर काम कर रही है. सबसे पहले गुजरात के धोलेरा और गांधीनगर के पास गिफ्ट सिटी बसाई जाएगी. इसके अलावा मध्य प्रदेश के सीहोर, छत्तीसगढ़ में रायपुर के पास, महाराष्ट्र के शेंद्रा, हरियाणा के मानेसर और राजस्थान के खुशकेरा और केरल के कोची में आधुनिक शहर बसाए जाएंगे. खास बात यह है कि देश की चारों दिशाओं में मौजूद स्मार्ट सिटीज एक दूसरे से डायमंड क्वाड्रिलेटरल कॉरिडोर से जोड़ी जाएंगी. यानी साफ है इन स्मार्ट सिटी में बुलेट ट्रेन और हाई स्पीड ट्रेन भी चलेंगी. संजय शाह और वर्णित गुप्ता के साथ मनीष झा, इंडिया टीवी, दिल्ली. मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट पर शहरी विकास मंत्रालय का प्लान लगभग तैयार है. शहरी विकास मंत्री मोदी के सामने प्रेजेंटेशन भी दे चुके हैं. आपको बताते हैं आखिर स्मार्ट सिटीज का प्लान क्या है. शहरी विकास मंत्रालय ने स्मार्ट सिटी बसाने का खाका भी तैयार कर लिया है. बस इंतजार है आम बजट का. सूत्रों के मुताबिक अरुण जेटली के पिटारे से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए खास पैकेज निकल सकता है. शहरी विकास मंत्रालय को बजट से काफी उम्मीदें हैं, इसलिए मोदी की स्मार्ट सिटी बनाने के वादे पर अमल करना शुरू कर दिया. शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू स्मार्ट सिटीज की योजना को लेकर राज्यों के शहरी विकास मंत्रियों की जल्द ही मीटिंग भी करने वाले हैं.
इसके बाद स्मार्ट सिटी प्लान के लिए कैबिनेट का ड्राफ्ट नोट जुलाई के आखिर तक आने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्री अरुण जेटली अपने पहले बजट में